तो विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है। क्या इस बैठक से कोई ऐसा मसौदा निकलकर सामने आएगा जिसमें तस्वीर नजर आएगी कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस बीच एक खबर में आपको बता दूं, मीटिंग से पहले केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है, विपक्षी दलों को डर दिखाकर एक डिमांड रखी गई है कि बैठक में अध्यादेश पर पहले चर्चा की जाए। दिल्ली वाला जो अध्यादेश है, मोदी राज्यपालों के जरिए राज्य सरकारें चलाएंगे, इस तरह की बात इसमें कही गई है। और आपके सामने अब कुछ आंकड़े मैं रखने जा रहा हूं, क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी चुनौती अभी भी विपक्ष के लिए। आप जरा इस तस्वीर को समझिए, बीजेपी और विपक्ष की अगर बात की जाए, बीजेपी में सर्वमान्य मोदी का चेहरा, विपक्ष में कोई एक सर्व स्वीकार्य चेहरा फिलहाल नहीं है, किसी एक चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। जहां बीजेपी कमजोर वहां भी मोदी पहली पसंद है, यानी उनकी व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की वहां भी एक तरह के से आप कह सकते हैं कि टीआरपी है। हर चेहरे का अलग अलग जाति तक वर्चस्व है। विपक्ष की अगर बात की जाए, बीजेपी संगठन और जनाधार लगातार मजबूत, लगातार पार्टी ग्राउंड पर काम करती नजर आती है। विपक्ष में कुछ दलों का जो गठजोड़ है वो बनना और बनकर टिकना थोड़ा मुश्किल नजर आया पिछले दिनों में, अगर आप इतिहास पर गौर करें। बीजेपी 2024 के लिए बैठक वहां अभी जारी है, लगातार तमाम प्लानिंग की खबरें आती हैं। एंटी मोदी मोर्चा में शुरुआती सहमति तक अभी नहीं बन पाई है। विपक्ष की अगर बात की जाए, 23 तारीख को जो बैठक होनी है उस पर सबकी निगाहें हैं। हर जाति धर्म विशेष में पैठ बनाने की कोशिश में है बीजेपी। विपक्ष, संयुक्त विपक्ष बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभी तैयार नहीं दिख रहा है। कल को क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।